आज के मंत्रिमंडल की बैठक हुई और एक विषय जो उनके बहुत करीब भी और जिसको प्राथमिकता देने का काम भी किया कि देश में कोऑपरेटिव सेक्टर को और ताकत दी जाए, सहकार से समृद्धि इस सोच को आगे और बढ़ाने के लिए और सहकारिता के क्षेत्र को और बल देने के लिए, कोऑपरेटिव मूवमेंट को और स्ट्रेंथन करने के लिए लगातार भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। पहला तो जुलाई 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का बनना अपने आप में दिखाता है कि कितना फोकस रखा गया, और जून 2022 में प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी को, पैक्स जिसको हम कहते हैं, कंप्यूटराइजेशन के लिए भी बजट का प्रावधान करना और फिर कोऑपरेटिव्स को जेम पोर्टल के साथ जोड़ना, एक प्लेटफॉर्म ऑनबोर्ड करके उसको देना ताकि इस क्षेत्र को उसका लाभ मिल सके। और यही नहीं, किसानों को एक सिंगल ब्रांड के अंतर्गत सर्टिफाइड बीज उपलब्ध करवाने की बात हो या फिर उनके द्वारा उत्पादित ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हो, कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट में सहायता प्रदान करने के लिए उनको लगातार मदद करने की बात हो, राष्ट्रीय स्तर पर 3 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की स्थापना की भी केंद्र ने, कैबिनेट ने पूर्व में मंजूरी दी है। इन सब निर्णयों के बाद जहां अगर देश में आज देखा जाए तो कुल मिलाकर 63,000 ऐसी पैक्स हैं जो लाभ में भी हैं, वाइबल भी हैं, लेकिन देशभर का आंकड़ा अगर कुल मिलाकर देखा जाए काफ़ी बड़ा है। 2,00,000 पंचायतें ऐसी हैं जहां पर आज पैक्स की सुविधा एक तरह से नहीं है, जहां पे अवसर हैं। इन सब क्षेत्रों में कैसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बल दें, उनका गठन हो और उनको वाइबल कैसे बना सकें, उस दिशा में आज एक कदम उठाया गया है। तो 2,00,000 ऐसी अनकवर्ड पंचायतों को सैचुरेशन बेसिस पर नई पैक्स का स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, अगले 5 वर्षों में इसको पूरा किया जाएगा। डेयरी कोऑपरेटिव्स और फिशरीज कोऑपरेटिव्स की स्थापना किए जाने का लक्ष्य भी इसके साथ रखा गया है, और वर्तमान में जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको मजबूत करके सभी कोऑपरेटिव्स को जिला और राज्य स्तर पर फेडरेशन से जोड़ना है। कोऑपरेटिव्स, डेयरी और फिशरीज की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकें, इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के अंतर्गत इन योजनाओं का कन्वर्जेंस सुनिश्चित किया जाएगा। और इसमें अगर मैं कहूं तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज में ही नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट आता है और दूसरा डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इन योजनाओं का को भी उसमें जोड़ा जाए।